हाय एवरीवन, दिस इज राधिका एंड वेलकम टू आफ्टर बुक्स। हमने स्टार्ट की हुई है प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे फर्स्ट 10 एमसीक्यूज रिलेटेड टू आयनिक इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 टू क्वेश्चन नंबर 20। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 11, CH3COONH4 सॉल्यूशन इज डाइल्यूटेड विद वाटर, इट्स pH। तो क्वेश्चन में हमसे ये पूछ रहे हैं कि जब हम CH3COONH4 को वाटर डाल के डाइल्यूट कर रहे हैं तो उसकी pH पे क्या इफेक्ट होगा। नाउ CH3COONH4 इज अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। और यहां से फॉर्म क्या होगा, CH3COO- प्लस NH4 पॉजिटिव। अब अगर हम इसमें वाटर ऐड कर रहे हैं तो सेम वाटर भी क्या यील्ड करेगा, H पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, तो अब वाटर यील्ड करने से हुआ क्या, CH3COO- और H पॉजिटिव आयंस ने मिलके क्या बना लिया, एसिटिक एसिड, और OH नेगेटिव आयंस और NH4 पॉजिटिव आयंस ने मिलके क्या बना लिया यहां पर, NH4OH। और CH3COH दैट इज एसिटिक एसिड, होता क्या है हमारे पास वीक एसिड। तो यहां से क्या हो जाएगा, pH थोड़ी सी एसिडिक हो जाएगी सॉल्यूशन की। बट जब हम उसमें अगेन NH4OH दैट इज वीक बेस ऐड कर रहे हैं तो pH क्या हो जाएगी, स्लाइटली बेसिक। तो यहां से क्या हो जाएंगी, pH स्लाइटली एसिडिक और स्लाइटली बेसिक न्यूट्रलाइज हो जाएंगी। तो मतलब क्या होगा, वाटर ऐड करने से हमारा CH3COONH4 जो एक वीक एसिड वीक बेस था वहां से बन रहा है CH3COOH एंड NH4OH, और pH जो है सॉल्यूशन की वो कांस्टेंट ही रह रही है। दैट इज ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 12, द सॉल्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस इज कॉल्ड। तो जब हम उस सॉल्ट का हाइड्रोलिसिस करते हैं दैट इज मेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस, तो उस केस में हमारे पास कैटायन की हाइड्रोलिसिस होती है और उसे हम बोलते हैं कैटायनिक हाइड्रोलिसिस। और वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की जब हम सॉल्ट हाइड्रोलिसिस करते हैं तब हमारे पास अनायन की हाइड्रोलिसिस होती है और उसे हम बोलते हैं अनायनिक हाइड्रोलिसिस। So the correct answer for question number 12th is option number 2. Question number 13th, हमें मोलारिटी दी है एक एक्वस सॉल्यूशन की, ठीक है, और ये बता दी है कि वो कितने परसेंट डिसोशिएट हुआ है। हमें निकालना क्या है इसके लिए डिसोशिएशन कांस्टेंट, दैट इज के ए। नाउ 3.7% डिसोशिएशन होने का क्या मतलब है, कितनी डिसोशिएशन हुई, 3.7/100 That is 0.037, ठीक है, और इसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0.037। अभी हमें क्या निकालना है, डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट किसके इक्वल होता है, सी अल्फा स्क्वायर के इक्वल। तो बस यहाँ पे सी की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी है 0.10 मोलर, और उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये जो अल्फा की वैल्यू हमने निकाली है क्या हो गया, ये यहां से हमारे पास आएगा 0.0001369, ठीक है। अब इसको मैं किसके इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ, 0.0001369 × 10⁻¹⁰। किसी भी चीज की पावर 0 तो उसका आंसर होता है 1, एंड किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई करो तो वही नंबर आ जाता है। तो मींस इसमें और इसमें कोई भी फर्क नहीं है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड की तरफ पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास पावर उतनी ही सब्ट्रैक्ट हो जाती है। मतलब अगर यहाँ से पॉइंट को यहाँ पे शिफ्ट करना है 1.3
सिक्स नाइन बनाना है तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 10^10 कितना शिफ्ट किया है, 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स, इसलिए यहाँ पे आ गया -4, तो ये क्या हो गया 1.369 × 10^-4, जिसको हम अप्रोक्सीमेटली लिख क्या सकते हैं 1.4 × 10^-4, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 14, एन ऑर्गेनिक मोनोबेसिक वीक एसिड इज 50% यूटिलाइज बाय एडिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड, द पीएच ऑफ सॉल्यूशन इज 5, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिक एसिड विल बी, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट हमें कैलकुलेट करना है, पीएच हमें गिवन है, एक वीक एसिड को हमने न्यूट्रलाइज किया है बाय एडिंग दिस सॉल्ट, पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ एसिड. निकालना है हमें के की वैल्यू, पीएच की वैल्यू हमें गिवन है दैट इज 5. अभी क्वेश्चन में क्या गिवन है कि 50% न्यूट्रलाइजेशन हुई है. 50% न्यूट्रलाइजेशन होने का मतलब क्या है कि 50% एसिड और 50% बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर गए और न्यूट्रलाइज कर गए, और बाकी बचा क्या रिएक्शन सिस्टम में, 50% एसिड और बेस. जितनी सोल्यूशन में एसिडिक चीज की कंसंट्रेशन है उतनी ही बेसिक चीज की कंसंट्रेशन है, और यहाँ पे हमें बेसिक दिया क्या हुआ है NaOH, मींस इस टाइम पे क्या है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट और कंसंट्रेशन ऑफ एसिड इज इक्वल, तो ये क्या आ गया पीएच इज इक्वल टू पीकेए प्लस लॉग. जब सॉल्ट और एसिड की कंसंट्रेशन सेम है तो उसे हम 1 लिख देंगे या आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है. तो यहाँ से पी के ए की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 5, क्योंकि लॉग 1 क्या होता है 0. हमें कैलकुलेट करना है के ए. जब हम पी एच लिखते हैं पी एच इज इक्वल टू -log ऑफ एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन, तो यहाँ से एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, बेस में 10 आ जाता है और पावर में क्या आ जाएगा पी एच, और साथ में ये नेगेटिव साइन, ठीक है. तो सिमिलरली अगर हम यहाँ से तो पी के ए इज इक्वल टू -log ऑफ के ए, तो यहाँ से के ए क्या आ जाएगा हमारे पास 10^ पी के ए के आगे नेगेटिव साइन, तो यहाँ से पी के ए की वैल्यू क्या आ गई है 5, तो के ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 10^ -pKa मतलब -5, दैट इज ऑप्शन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 15, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ NH4Cl एंड KNH2 इन लिक्विड अमोनिया इन्वॉल्व्स द रिएक्शन. NH4Cl क्या फॉर्म करेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव. KNH2 क्या फॉर्म करेगा, K पॉजिटिव प्लस NH2 नेगेटिव. यहाँ से ये और ये कंबाइन कर जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, अमोनिया. अगर हम यही बैकवर्ड रिएक्शन देखें तो ये क्या हो जाएगी, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ अमोनिया. तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्वेश्चन में, ये रिएक्शन नहीं हो रही, ये रिएक्शन भी नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पे Cl नेगेटिव नहीं है, ये रिएक्शन हो रही है. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 16, द पीएच वैल्यू ऑफ अ सॉल्यूशन इज 2. इफ इट्स पीएच इज टू बी डबल्ड देन एच पॉजिटिव आयन कंसेंट्रेशन ऑफ द ओरिजिनल सॉल्यूशन हैज टू बी डिक्रीज्ड बाय. ओरिजिनल पीएच क्या है 2, फाइनल पीएच क्या है, इसका डबल करना है तो डबल क्या होगा 2 × 2 दैट इज 4. यहां से एच पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन क्या आ जाएगी 10^-2, यहां से एच पॉजिटिव आयन्स की कंसंट्रेशन क्या आ गई 10^-4. ओरिजिनल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कितने से डिक्रीज हुई, तो अगर हम यहाँ पर फाइनल एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन अपॉन ओरिजिनल एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन निकालें तो ये क्या हो जाएगा 10^-4 अपॉन 10^-2. ये क्या आ गया यहाँ से, ये आ गया, सो दिस इज 1/100. मतलब ओरिजिनल सॉल्यूशन को हम कितना डिक्रीज करें, 100 टाइम्स डिक्रीज करें कि हमारा फाइनल सॉल्यूशन आ जाए, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, 100 टाइम्स. क्वेश्चन नंबर 17, हमें एक इक्विलिब्रियम इक्वेशन दी हुई है और हमें बताना है कि इसमें से कौन से स्टेटमेंट्स जो करेक्ट हैं, जो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स होते हैं हमारे पास
उनमें सिर्फ एच का फर्क होता है, मतलब जो एसिड होगा उसमें एक एच एक्स्ट्रा होगा उसके बेस से, ठीक है। मतलब एसिड में एक एच एक्स्ट्रा, बेस में एक एच कम। जैसे अगर हम एच एफ और एफ नेगेटिव की बात करें, ठीक है, तो ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स हैं, क्योंकि इन दोनों में सिर्फ एक एच का फर्क है, यहाँ पे एच है यहाँ पे एच नहीं है। तो जिसके पास एक एच ज्यादा हो उसे हम क्या बोलेंगे, एसिड, ठीक है, और जिसके पास एक एच कम है उसे क्या बोलेंगे, बेस। तो मींस एफ नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच एफ। तो ऑप्शन नंबर वन, एफ नेगेटिव इज अ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एच एफ, करेक्ट है स्टेटमेंट हमारे पास। ऑप्शन नंबर सेकंड में देखो, एफ नेगेटिव और सी एच थ्री सी ओ एच में, यहाँ पे सिर्फ एच में तो फर्क है नहीं, पूरा का पूरा ही यहाँ पे फर्क है। अगर हम ऑप्शन नंबर थ्री देखें तो ऑप्शन नंबर थ्री में ये जो है, क्या ये इसका कॉन्जुगेट बेस है। अब कॉन्जुगेट बेस होने का क्या मतलब है कि हमारे पास एक हाइड्रोजन लेस होना चाहिए। इसके पास है एक हाइड्रोजन, इसके पास है दो हाइड्रोजन, बट इसमें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन लेस होना चाहिए था, इसमें तो एक हाइड्रोजन मोर है, तो इसीलिए ये इसका कॉन्जुगेट बेस नहीं है। इंस्टेड अगर हम ऑप्शन नंबर फोर देखें तो यहाँ पे एक एच, यहाँ पे दो एच, और उन्होंने बोला क्या है कि दिस इज द कॉन्जुगेट बेस ऑफ दिस। तो कॉन्जुगेट बेस का मतलब एक हाइड्रोजन कम, यस इसमें एक हाइड्रोजन कम है इसके कंपैरेटिवली, तो दिस इज ऑल्सो अ करेक्ट ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर वन एंड ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 18th, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल एक्ट्स एज अ लुईस एसिड। लुईस एसिड्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स। अगर हम इन सबके स्ट्रक्चर्स देखें तो क्या होंगे, OCH3 CH3, और यहाँ पे दो लोन पेयर्स, यहाँ पे क्या होगा N, 3 CH3 और एक लोन पेयर, यहाँ पे क्या होगा PCH3 तीन बार और लोन पेयर। इसका स्ट्रक्चर क्या है, ट्राइगोनल। अभी अगर हम यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट देखें तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑक्टेट कंप्लीट। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। टू इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करके ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो लुईस एसिड कौन होगा इनमें से, ऑप्शन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर 19th, द हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। वीक एसिड वीक बेस के लिए एच की क्या वैल्यू होती है, अंडर रूट के डब्ल्यू अपॉन के ए इंटू के बी। यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट होता है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन। क्योंकि यहाँ पे कहीं भी हमारे पास सी इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज कंसंट्रेशन। तो इसका क्या आंसर हो गया, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के ए इंटू के बी। क्वेश्चन नंबर 20, फॉर अ स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट ए पी एंड बी क्यू, द रिलेशनशिप ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विद इट्स सॉल्युबिलिटी इज ए पी बी क्यू। बाय क्रिस क्रॉस मेथड क्या हुआ, क्यू ए के ऊपर, पी बी के ऊपर, तो ये आ गया ए के ऊपर क्यू पॉजिटिव चार्ज प्लस बी के ऊपर पी नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे ए को पी टाइम्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पी से मल्टीप्लाई। सिमिलरली यहाँ पे बी कितने हैं, क्यू, तो यहाँ पे भी बी को क्या करना पड़ेगा, क्यू से मल्टीप्लाई, ताकि
रिएक्शन बैलेंस हो सके, दोनों प्रोडक्ट्स की सॉल्युबिलिटीज, और साथ में क्या होता है इनके कोएफिशिएंट, ए का कोएफिशिएंट पी, बी का कोएफिशिएंट क्यू, एंड ऑल्सो जो इनके कोएफिशिएंट होते हैं वो पावर में भी जाते हैं, तो इसके पावर में पी, इसके पावर में क्यू, तो ये क्या हो गया पी की पावर पी, एस की पावर पी इंटू क्यू की पावर क्यू, एस की पावर क्यू, तो ये क्या हो गया पी की पावर पी क्यू की पावर क्यू इंटू, यहाँ पे बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर क्या हो जाएंगी एड, एस की पावर पी प्लस क्यू इज इक्वल टू द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ द सॉल्ट। तो ये क्या है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1। सो दिस इज इट फॉर दिस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ रिडॉक्स रिएक्शंस।